अरबिक स्वीट डिश बनाना सिखा रही हूँ जिसका नाम है लियाली लबनानी। लियाली लबनानी के मायने हैं कि लबनान की रात, इसका नाम है। अच्छा, इसमें मैं 2 लीटर दूध डालूंगी, आप किसी भी तरह का दूध डाल सकती हैं, और 1.5 गिलास में ये सूजी। अच्छा, ये जो है वनीला मैं डाल रही हूँ, वनीला के बजाय ओरिजिनल डिश में एक खुशबू के लिए मिस्क का यूज़ होता है, वो हम पाकिस्तानी इंडियंस नहीं यूज़ करते, ये लोग अरब्स यूज़ करते हैं, तो मैं उसके बजाय मैं ये वनीला डाल रही हूँ। अच्छा, ये कॉर्नफ्लोर 1 चमचा, ये अपने हिसाब से डालना पड़ेगा इसको थोड़ा सा थिक करने के लिए, और ये इसकी ड्रेसिंग के लिए होगा। पिस्ते हैं ये कुटे हुए, मैंने कूट लिए हैं, और ये क्रीम है, क्रीम भी इसकी ड्रेसिंग के लिए है। अच्छा, मैं शीरा बनाऊंगी, शीरे के लिए मैंने ये लेमन रखा हैगा, और जो है मैं इसमें 2 बड़े गिलास भर के जो है मैं शुगर डालूंगी शीरे के लिए, वो मैं आपको बताऊंगी कि शीरा कैसे बना रही हूँ। देखिए, मैं ये पूरा 2 लीटर दूध जो है वो मैं भगोने में डाल रही हूँ, मैंने चूल्हा जला लिया हैगा, और ये मैं पूरा दूध इसके अंदर डाल दूँगी, जिस तरह से खीर के अंदर हम लोग डालते हैं, ये इस तरह से ये आपका ये दूध डाल दिया मैंने पूरा 2 लीटर। उसके बाद जो है मैं ये सूजी जो मैंने निकाली थी ये सूजी में डाल दूंगी, ये देखिए। अच्छा, सूजी डालते वक्त जो है हमको मुसलसल चलाना पड़ेगा, जिस तरह से हम लोग खीर पकाते हैं, खीर को मुसलसल पकाते चलाते रहते हैं, तो ये मुझको चलाना पड़ेगा जब तक ये पकती रहेगी। इसको आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से गोल गोल चलाते रहेंगे, और उसके बाद जो है मैं वनीला के थोड़े से 2-3 ड्रॉप्स डाल दूंगी, ये देखिए ये डाल दिए, और फिर मैं पकाऊंगी। अच्छा, मैं कॉर्नफ्लोर जो है वो थोड़ा जब सूजी थोड़ी सी फूल जाए तो मैं कॉर्नफ्लोर डालूंगी, और इसमें तकरीबन 3 चमचे यानी सूजी गलने के बाद 3 चमचे शुगर डालूंगी टेबल स्पून। ठीक है, तो ये हम पका रही हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाएगी, तकरीबन इसको आधा घंटा लगेगा स्लो आग पे, तो ये बस आप ऐसे चलाते रहिए। अच्छा, देखिए साथ के साथ मैं जो हूँ ये शीरा बना रही हूँ कि इसके लिए इसमें 2 गिलास मैं पानी डालूंगी, ये देखिए, और 2 गिलास मैं शक्कर डालूंगी, ये देखिए ये दूसरा ग्लास मैंने डाल दिया है। अच्छा, इसके अंदर जो है थोड़ा सा मैं लेमन्स के 2-3 ड्रॉप डालूंगी, बस वो लेमन के ड्रॉप इसलिए डालते हैं कि ये शीरा जो है वो जमने ना पाए। फिर मैंने ये 4 छोटी इलायचियाँ डाल दी हैं अच्छी स्मेल के लिए। अब ये मैं इसको घुमाती रहूँगी थोड़ा सा, और घुमाने के बाद तकरीबन इसको
10 मिनट तक आप पका लें हल्की आग पर और फिर ये आपका शीरा तैयार हो जाएगा। अच्छा देखिए, ये तकरीबन आधे घंटे पकाने के बाद जो है मैंने ये भगोने में से इस डिश में डाल ली है और ये इसको थोड़ा सा बस सेट, क्योंकि गरम गरम डालिए तो वो खुद ही सेट हो गई है। और उसके बाद जो है ठंडा होने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसकी ड्रेसिंग कैसे होगी। इसको फुल ठंडा करना पड़ेगा, फिर उसके बाद बताती जी। देखिए मैंने ये तकरीबन एक घंटे जो है पहले मैंने पंखे के नीचे रखी थी आधे घंटे, फिर आधे घंटे मैंने फ्रिज में रखी है। अब इसके बाद जो है मैं ये क्रीम डाल रही हूँ इसके अंदर। आप कोई सी भी क्रीम लगा सकती हैं, हद तक आप बलाई भी जो है वो फ्रिज में रख कर उसको मिक्स करके आप वो भी डाल सकती हैं। तो ये जितना ज़्यादा इसमें क्रीम डलेगी उतना ही ज़्यादा टेस्टी होगा। ये आपके ऊपर है कि आपको कितना पसंद है। ये मैंने अभी फ़िलहाल दो डाले हैं अभी। अच्छा देखिए, ये मैंने पिस्ते डालने के बाद भी थोड़ी देर मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। और अब मैं इसको निकाल के दिखा रही हूँ कि इसको निकालेंगे कैसे। ये मैंने पहले स्क्वायर काट लिए थे। बिस्मिल्लाह, ये देखिए, ये मैंने पीस निकाल लिया है और अब मैं आपको एक और पीस निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने दो पीस निकाल लिए हैं। अच्छा अब जो है शीरा जो है वो इसके ऊपर डाला जाता है। ये देखिए, आपका जितना दिल चाहे आप डाल लें शीरा। और शीरा डालने के बाद आप बिस्मिल्लाह करें और बना के और खा के बताएं कि आपको कैसी लगी है। और मैं उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी पहली वीडियो ही देखकर बहुत पसंद किया। और जो जो लोगों ने फरमाइशें की हैं इंशाल्लाह मैं ज़रूर उनकी पूरी करूँगी। सह हो है ना, मां सलेमी।